आप तड़ीपार कहते ना हमारे अध्यक्ष को, इसलिए क्योंकि सोहराबुद्दीन की आप प्रोटेक्शन करते हैं। वो सोहराबुद्दीन जिसके घर से बम निकला, वो सोहराबुद्दीन जिसके घर से 110 AK-47 निकला, वो सोहराबुद्दीन जिसके घर से हैंड ग्रेनेड निकला, आप उसके लिए हिंदू हृदय सम्राट अमित शाह जी को तड़ीपार कहते हैं, कहो तड़ीपार उसे। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, आप नरेंद्र मोदी जी पे गाली कर रहे हैं, गुजरात के दंगों को लेकर कर रहे हैं। मेरा छाती जला था उस दिन जिस दिन 62 कार सेवकों को जिंदा रोस्ट कर दिया गया था ट्रेन के अंदर। मेरा दिल रोता है हिंदुओं के लिए। अरे हिंदू जल जाता है, भुन जाता है, तो आप मुस्कुराती हैं, आप उस समय एक आंसू नहीं बहाती है, और केवल मुसलमानों के लिए आप आंसू बहा देती है। मैं कहता हूं हिंदू को आप जला के दिखाओ, हिंदू को छू के दिखाओ, हम लड़ेंगे हिंदुओं के लिए। आप ये नकली जनेऊ पहन के जो पूजा कर रहे हो ना आजकल, बार बार पूछ रहा हूं, बताओ, मैं महाकाल की भूमि में पूछ रहा हूं, बताओ, महाकाल की सौगंध है, बताओ राहुल गांधी का गोत्र क्या है, बता के दिखाओ मुझे, बताओ मुझे राहुल गांधी का गोत्र क्या है, बताओ। नहीं, आज मैं ये प्रश्न का उत्तर लेके जाऊंगा। और कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता है, आप जनेऊधारी हिंदू बन रहे हैं, शर्ट पैंट के ऊपर जनेऊ पहनने से ब्राह्मण बन जाएंगे, आप ब्राह्मणों का भी यहां अत्याचार कर रहे हैं, ब्राह्मणों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, बताइए मुझे, वैटिकन गोत्र है, फिरोज खान का गोत्र है, कौन सा गोत्र है राहुल गांधी का, बता के दिखाई देगा। प्रियंका भेजा है, ये हिंदुओं की बात करती है, हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू खराब, हिंदू अच्छा, जो मंदिर चाहते हैं वो बुरे हिंदू हैं, किसने कहा था? ये हिंदू इतने खराब थे, अचानक 2014 के बाद इनको जनेऊ पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अमित शाह और मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं, तभी तो आपको ब्राह्मण बनना पड़ रहा है, वरना आप तो हिंदुओं के खिलाफ, राम डज नॉट एग्जिस्ट, आप ही ने कहा था ना, सोनिया जी ने कहा था ना कि राम भगवान तो काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं, कहा था। आज अचानक आपको जनेऊ पहनना पड़ रहा है शर्ट के ऊपर, क्यों? देखिए, आपने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, मैं भोपाल की भूमि में हूं, महाकाल देख रहे हैं, आपने हम लोगों को कहा ना आतंकवादी, अरे 100 वर्षों तक छोड़ना मत उन लोगों को जिन लोगों ने हमें आतंकवादी कहने की हिम्मत की है। हिंदू ने कभी आतंकवाद नहीं किया है, हिंदुओं ने कभी किसी को मारने का काम नहीं किया है, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। ये मां बेटे ने मिलकर षड्यंत्र रचा, हमारे धर्म पर आक्रमण किया, नहीं हो सकता है धर्म पर आक्रमण, नहीं होने देंगे। अब मुस्कुरा लीजिए और बोलिए जो भी आपने अभी अभी बातें कही हैं।